पानीपत पुलिस का चलता अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानदारों के अतिक्रमण से हो रहे हैं लोग परेशान। पानीपत पुलिस नहीं बख्श रही है किसी को भी। रोजाना शहर से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। पानीपत शहरी विधायक दिखे अतिक्रमण हटाने के पक्ष में। सवाल यह है कि सड़क तो चलने के लिए है, सड़क व्यापार करने के लिए तो नहीं है। मेरे पास इस एरिया के सैकड़ों कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। बाजार में आप देखिए पैदल निकलना भी मुश्किल हो चुका है। डीसी साहब और एसपी साहब ने निश्चय दिया हुआ है कि शहर में जहां बहुत बुरे हालात हैं उसके बारे में सख्त कदम उठाएंगे। पानीपत में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों शोरों पर है। स्काईलार्क मार्केट से इस अभियान की शुरुआत हुई थी। पुलिस अचानक वहां पहुंची और पूरे मार्केट से अतिक्रमण हटा दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई से दुकानदार काफी नाराज दिखे। दुकानों के बाहर ताले लगाकर रोष जताया गया, लेकिन पानीपत पुलिस ने जनता के लिए इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को बंद नहीं किया। इस अतिक्रमण अभियान को गोहाना रोड पर, संजय चौक पर, सुखदेव नगर में और मॉडल टाउन में भी चलाया गया। ट्रैफिक पुलिस की टीम ने जगह जगह से अतिक्रमण हटाया। इस बीच दुकानदारों में काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तस्वीरें आपको पानीपत के अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं जहां से पानीपत पुलिस ने अतिक्रमण को हटाया है। वहीं अब अतिक्रमण अभियान को लेकर शहरी विधायक प्रमोद विज पक्ष में नजर आए। उन्होंने कहा कि लगातार लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि स्काईलार्क मार्केट हो या फिर मॉडल टाउन, सभी जगहों पर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से आम जनता को पैदल चलने का रास्ता तक नहीं मिल पाता। पानीपत के अंदर जगह जगह पे आप देखिए, और खास करके ये जो इशू मैंने देखा, मैं तो बाहर गया होता, आज रात को बाहर से वापस आया हूँ तो, लेकिन समाचार पत्रों पे, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, जो स्काईलार्क रोड है यहाँ पर ट्रैफिक का इतना बुरा हाल हो चुका है कि स्कूल की बसें जो हैं आधा आधा पौना पौना घंटा लग जाता है उनको 200 गज का सफ़र करने में। छोटे बच्चे उसमें बैठे होते हैं, कोई एम्बुलेंस वैन निकलनी है वहाँ से, कितने हॉस्पिटल्स हैं उस साइड के अंदर, वो एम्बुलेंस वहाँ से आधे घंटे से पहले निकल नहीं सकती। किसी ने देवी मंदिर जाना है, एक मुख्य रोड है ये शहर की कनेक्टिविटी, जीटी रोड से ये मुख्य रोड है, और देवी मंदिर जाना है, किसी ने गुरुद्वारे जाना है, इस तरह से रास्ते ही नहीं है कुछ निकलने का, तो बड़ी गंभीर समस्या है ये। मैं व्यापार अपनी जगह, मैं भी व्यापारी आदमी और मैं दुकानदारों में समझता हूँ कि उनके भी बच्चे हैं, उनको भी उनको पालना है, उनको भी भेजना है स्कूल भेजना है, उनको हर तरह की मदद चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सड़क तो चलने के लिए है, सड़क व्यापार करने के लिए तो नहीं है। और ये दुकानदार भाइयों को भी समझना चाहिए कि वो कुछ ऐसा यत्न करें कि उनका व्यापार भी चलता रहे और लोगों को जो सुविधा है। मेरे पास इस एरिया के सैकड़ों कंप्लेंट्स आ चुकी हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, कुछ इसका समाधान सरकार नहीं सोचती, राजनीतिक लोग सोचते ही बिल्कुल नहीं है। मैं राजनीतिक होने नाते मुझे जो जिम्मेवारी शहर की दी गई है, मैं समझता हूँ कि व्यापार भी ज़रूरी है, कोई ना कोई इसका समाधान भी होना चाहिए और जो लोगों के आने जाने की सुविधा है उचित होनी चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में कोई सख्ती कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि उनका कर्तव्य है, अदरवाइज शहर के अंदर आप देखिए जगह जगह पे जो कब्जे होते चले जा रहे हैं, जो जगह जगह से रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं, पैदल चलने तक की सुविधा नहीं रह गई है। अगर हम हिसार चौक से सलारगिन गेट की बात करें तो आप पैदल भी नहीं निकल सकते, गाड़ी का निकलना, स्कूटर का निकलना तो बहुत बड़ी बात है, तो कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन व्यापारी भाइयों के साथ भी हूँ, दुकानदार भाइयों के साथ हूँ, उनका कोई ना कोई समाधान निकाले। विधायक विज ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है और आम जनता की समस्या अपनी जगह है, और ऐसे में दुकानदारों द्वारा जो अतिक्रमण किया जाता है वो गलत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मार्केट की जो समस्या है इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से बात भी कर चुके हैं, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आपको विधायक प्रमोद विज की सुनवाते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा। समाधान कोई उचित निकालना पड़ेगा, वो क्या निकलेगा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री को आज से 6 महीने पहले पूरी एक डिटेल बना के अपनी रिक्वेस्ट भी भेजी और मैं HSVP के माध्यम से लगातार संपर्क में हूँ उमा शंकर जी के साथ,
कि पानीपत के अंदर हमें के ऑटोमोबाइल मार्केट थी, जैसे हिसार में और कई जगह पर है, लोगों की डिमांड भी है, जो व्यापारी भाई हमारे हैं जो छोटी छोटी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, इनको अगर 50-50 सोचो कि इसकी दुकान मिल जाएगी तो इनका व्यापार ठीक तरह चल जाएगा, तो निश्चित तौर पर उस डायरेक्शन में भी काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं अभी तो उसमें टाइम भी लगेगा, लेकिन तुरंत हल ये निकालना पड़ेगा कि व्यापारी भाई जब आएंगे, आज मैं आज मिलने आएंगे तो बैठ के उनसे विचार विमर्श करेंगे, कोई उचित हल निकालेंगे ताकि ट्रैफिक की समस्या भी हल रहे और साथ में जो इनका व्यापार भी ठीक तरह से चल पाए। DC साहब और SP साहब ने निश्चय दिया हुआ है कि शहर में जहाँ बहुत बुरे हालात हैं, जहाँ निकलना भी मुश्किल हो चुका है, उसके बारे में वो सख्त कदम उठाएंगे। और मैं इससे सहमति देता हूँ कि लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, व्यापार चलता रहना चाहिए, लेकिन व्यापार चलने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो, बच्चों को कठिनाई हो, स्कूल की बसें निकलने में दिक्कत हो, ये थोड़ा सा इस पर लोगों को भी, दुकानदारों को भी इस बात ध्यान देना चाहिए कि लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। आपकी नज़र में कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो चिन्हित किए गए जहाँ पर ऐसा रश रहता है? देखिए, एक तो हमारे मेन बाज़ारों की बहुत बुरा हाल है, मतलब बाज़ार में आप देखिए पैदल निकलना भी मुश्किल हो चुका है। व्यापार अपनी जगह है, लेकिन व्यापारी भी तभी फले फूलेंगे अगर उनके यहाँ कस्टमर आएगा, और इन बाज़ारों में तो धीरे धीरे कस्टमर आना भी इस तरह से बंद हो जाता है, जहाँ निकलने का रास्ता नहीं है, साइकिल तक नहीं निकल पाता, स्कूटर तक नहीं निकल पाता, इसी तरह ये वाली रोड ऐसी है। और कई ऐसे स्थान हैं, जैसे आप देखिए मॉडल टाउन के अंदर भी अगर हम रविंद्रा हॉस्पिटल के उस एरिया को देखें, 8 मरले से इजी डे तक, तो बहुत बुरा हाल हो चुका है वहाँ पर, जगह जगह इंक्रोचमेंट हो चुकी हैं, और ऐसे कई स्थान हैं, दुकानदार भाई अपनी दुकानों के आगे रेहड़ियाँ तक उनके लगी हुई हैं, ये कहाँ का उचित, इसका समाधान तो करना पड़ेगा। दुकानों के आगे रेहड़ियों का क्या मतलब है, लेकिन ये उचित नहीं है कि एक दुकान के आगे रेहड़ी भी परमानेंट खड़ी है। अब ये ऑटोमोबाइल मार्केट की मैंने बात किया, तो ये जो स्काईलार रोड पे जो मार्केट है, वहाँ पे आप देखिए कई कारें कई कई महीनों से खड़ी हुई हैं बंद, धूल मिट्टी, उन पर एक एक इंच धूल मिट्टी है, वो गाड़ियाँ किसकी हैं, वो ठीक होने के लिए तो आई नहीं हुई हैं, पार्किंग करके लोग चले गए हैं, और ये तो व्यवस्था गलत है। तो कोई ना कोई समाधान देखते हैं, जो भाई आज मिलेंगे तो उनकी समस्या भी सुनेंगे, उसका क्या हल हो सकता है वो करेंगे। लेकिन मैंने आपके माध्यम से सब दुकानदार भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो कारोबार अपने दुकान के अंदर करें, और एक समय एक से ऊपर गाड़ी उनके पास नहीं खड़ी होनी चाहिए, जिसको ठीक कर रहे हैं या स्कूटर खड़े हैं 2-3, ये तो नहीं है ना कि गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, फिर कस्टमर आके रोड के ऊपर अपनी गाड़ी खड़ी करता है, उसके आपके आगे एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगे हों, तो ये तो उचित नहीं है, तो इसकी समाधान दुकानदार भाइयों को ही देना पड़ेगा। विधायक प्रमोद विज पानीपत पुलिस द्वारा चलाए जा रही अतिक्रमण हटाओ अभियान के पक्ष में दिखे। उन्होंने कहा कि ये अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार पानीपत शहर में चलना चाहिए। बात अगर पानीपत मार्केट की करें तो पानीपत के बाजारों में अतिक्रमण को लेकर बुरा हाल है। दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों से काफी आगे बढ़कर दुकानें लगा रखी हैं, जिसकी वजह से लोगों को पैदल चलना भी दुभर हो जाता है। फिलहाल आपसे अपील रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि पानीपत पुलिस लगातार पूरे शहर में ये अतिक्रमण अभियान चला रही है। आप इस अतिक्रमण अभियान को लेकर कितने पक्ष में हैं? तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से पानीपत पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो सही है, और आगे भी इस तरह से ये अभियान चलता रहना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।